हाई स्टूडेंट वेलकम बैक इन आवर डिजिटल क्लासरूम इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन और हमने यूरेटर और यूरेनरी ब्लेडर के बारे में डिस्कस किया नाउ टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूरन फार्मेशन प्रोसेस तो हेडिंग डाल दीजिए यूरन फार्मेसन हेडिंग है यूरिन फॉर्मेशन नाउ वट प्रोसेसेस इज गोइंग ऑन ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है वन बाई वन डिस्कस करते हैं बेसिकली इसमें तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सेकेंड है रीऑब्जॉर्बन एंड तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन तो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री प्रोसेस फर्स्ट वन इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन सेकेंड वन इज नोन एज एक बार फिल्ट्रेट होकर जब अंदर आ जाता है उसमें काफी यूजफुल चीजें भी आ जाती हैं तो उसको वापस से री रीएब्जॉर्बन करते हैं इसलिए नेक्स्ट प्रोसेस इज नोन एज रीऐब्जॉर्बेशन And third process is known as tubular secretion. All right. ab one by one discuss karenge different types ke processes mein to first है globular, glomerular filtration, इसको हम ultra filtration भी कहते हैं. आइए समझते कि इसको ultra filtration process क्यों कहते हैं? हेडिंग डाल दीजिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 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 अल्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ पैसिव प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस From the glomerulus into the Bowman's capsule. The glomerular epithelium has a various microspores. जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसका डायमीटर रेंज करता है 50 टू 100 नैनोमीटर के बीच में कितना 50 टू 100 नैनोमीटर तो ये जो पोर्स होते हैं इनसे जो मटेरियल है वो फिल्टर हो जाता है राइट right? जेज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और इसकी वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ता है एंड द ग्लोमेरुलर कैपोरीज जिसमें आपने देखा कि ब्लड वेसल्स आते हैं ठीक है तो ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं सो द ग्लोमेरुलर कैपोरी ब्लड प्रेशर कॉजेज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू द थ्री लेयर्स कौन कौन सी लेयर दैट इज द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स दूसरी लेयर है इंडो एपिथीलियम ऑफ बॉमेंस कैप्सूल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स तो इस तरह से थ्री लेयर से ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है और राइट नेक्स्ट पॉइंट द नॉन कोलाइडल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा जैसे कि यूरिया है वाटर ग्लूकोज वाइटमिन्स मिनरल्स नाइट्रोजनस वेस्टेज ये आसानी से यानी फोर्स आउट होने की वजह से ग्लोबेर कैपिलरी से होते हुए बोमेंस कैप्सूल तक आ जाती है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर हाई होता है और ये आसानी से कहाँ पर पहुँच जाती है ये पहुँच जाती है पी सी टी में राइट सो द प्रेशर एंड द रजिस्टेंस इज़ हाई बिकॉज ऑफ ग्लोबेर कैपिलरीज आर नैरोअर देन द एफरेंट ठीक है तो एफरेंट के कंपेयर में जो एफरेंट है वो नैरोअर होता है इसलिए प्रेशर ज़्यादा होता है तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर अबाउट फिफ्टी टाइम्स मोर परमिबल दैन देन द कैपलरीज एनी या एल्स वेयर जहाँ कहीं भी कैपिलरीज पाई, पाई जाती है उससे पचास गुना ज़्यादा जो ग्लोमेरुलर कैपोलरीज होती है उसमें परमिबिलिटी पाई जाती है मीन्स ये या से फिल्टर हो जाते हैं सो प्रेशर हाइएस्ट इन द ग्लोमेरुलर कैपोलिज देन इन द कैपलरीज विच इज़ फाउंड इन एनी वेयर ऑफ द बॉडी ठीक है तो बिकॉज ऑफ दीज प्रेशर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस एंड द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर दैट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज डिटरमाइंड बाई द थ्री प्रेशर्स तीन प्रेशर की वजह से इसको हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं कौन कौन सा प्रेशर है वन बाई वन डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रेशर होता है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक ब्लड प्रेशर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर राइट right. ये है फर्स्ट प्रेशर और इसकी वैल्यूएशन कितनी होती है इसकी वैल्यूएशन होती है प्लस सेवेंटी एमची इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं जी बी एच पी ठीक है जी बी एच P इज इक्वल टू प्लस सेवेंटी एम जी ये पावर एग्जर्ट करती है ठीक है नेक्स्ट आता है प्रेशर ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर सेकेंड प्रेशर ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इसको शॉर्ट फॉर्म में बीसी ओ पी कहते हैं। और बी सी ओ पी कितना एग्जर्ट करता है इसकी वैल्यूएशन होती है प्लस थर्टी एम जी ठीक है तो जो फर्स्ट प्रेशर है जिसे हम ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं ये फोर्स अप्लाइड होता है अंडर द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर जहाँ पर पाए जाते ठीक है सो बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर द सिस्टम बिकम स्टार्ट फिल्टर दूसरा जो प्रेशर स्टार्ट होता है इसको हम बी सी ओ पी कहते हैं यह ऑसमोटिक प्रेशर होता है जो कि ब्लड ऑफ ग्लोमेरुलस कैपरीज में ब्लड प्लाज्मा या प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से जिसमें एल्मोमिन ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं एक्चुअली ये रजिस्ट करते हैं फिल्ट्रेशन को ठीक है तो इसकी वजह से जो प्रेशर अल्टीमेटली डेवलप होकर आता है वो प्लस थर्टी एमएमएच होता है एमएमएच और राइट नेक्स्ट आता है थर्ड कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी एच पी कहते हैं यहां पर लिखते हैं थर्ड प्रेशर इज नोन एज कैप्सिकुलर या कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी एच पी से कैप्सिकुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और इसकी वैल्यू होती है ट्वेंटी एमएमएच ट्वेंटी एमएम एच जी मर्क्यूरी राइट सो सी एच पी इज़ द प्रेशर विच इज़ कॉज्ड बाई द फ्लूट मटीरियल ठीक है दैट रिच इज इन टू द वमेंस कैप्सूल एंड रजिस्ट फिल्ट्रेशन तो वमन्स कैप्सूल में पहुँचते जरूर है लेकिन ये भी फिल्ट्रेशन को रजिस्ट करते हैं यहाँ पर जो सी एच पी की वैल्यू आती है ट्वेंटी एम एम एच जी के बराबर आती है राइट सो वाट इज द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन इफेक्टिव फिल्ट्रेशन को हम कहते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट है वो वह किस में आता है बब कैप्सूल से होते हुए प्रॉक्सिमल सो नेक्स्ट ट्यूबी डाल दीजिए नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर या फिर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर Effective effective filtration, filtration pressure or <laughs> net filtration pressure. All right. तो इसको कैसे निकालेंगे जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है एन ई टी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू जो भी प्रेशर्स है जैसे जी बी एच पी है माइनस बी सी ओ पी प्लस सी एच पी मीन्स अगर हम ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स में बाकी प्रेशर को डिक्रीज कर दें या घटा दें तो हमारे इफेक्टिव या फिर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मिल जाएगा ठीक है तो इसका फार्मूला क्या बनता है जी बी एच पी माइनस ब्रेकेट में बी सी ओ पी बी सी ओ पी प्लस जो दूसरा प्रेशर है सी एच पी राइट अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी हमने डिस्कस किया था जी बी एच पी कितना आता है जी बी एच पी इज इक्वल टू सेवेंटी राइट और बी सी ओ पी आता है थर्टी और सी एच पी आता है ट्वेंटी दैट मीन्स सेवेंटी लिख लेते हैं सेवेंटी माइनस थर्टी प्लस ट्वेंटी थर्टी प्लस ट्वेंटी दैट मीन्स सेवेंटी माइनस फिफ्टी राइट तो जो इफेक्टिव प्रेशर आया वो कितना आया ट्वेंटी एम एम एच जी जिसे हम इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कहते हैं ठीक है तो यहां पर नेट अपोजिंग जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है जो फिल्ट्रेशन को रोकता है वो लगता है 50 एम एम एच जी यानी दैट प्रेशर इज नोन एज नेट अपोजिंग प्रेशर राइट right. तो नेट अपोजिंग प्रेशर क्या करता है फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जो रियल्टेंट है जिसे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं वो आता है ट्वेंटी तो ट्वेंटी एम एम एच डी इज द इफेक्टिव प्रेशर बाई विच द फिल्ट्रेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस ठीक है अब वन बाई वन डिस्कस करते हैं डिफरेंट फिल्ट्रेट के बारे में फर्स्ट आता है फिल्ट्रेशन ठीक है

इट इज नॉन कोलाइडल पार्ट एंड पजेज यूरिया ग्लूकोज एमिनो एसिड वाइटमिन फैटी एसिड यूरिक एसिड क्रिटिदिन ये सभी चीजें यानी टॉक्सिसिटी साल्ट सब कुछ इसमें फिल्ट्रेट होकर चला जाता है यहाँ पर लिख लेना ग्लोमरल फिल्ट्रेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं फिल्ट्रेट होकर फर्स्ट वाटर गुड अमाउंट में ग्लूकोज प्लस साल्ट प्लस एमिनो एसिड्स प्लस जितनी भी यूजफुल चीज़ें हैं सभी आ जाती हैं एमिनो एसिड्स हो गए राइट फैटी एसिड यूरिक एसिड फैटी एसिड्स यूरिक एसिड प्लस टॉक्सिक सब्सटेंसेस ये भी फिल्टर होकर आ जाता है प्लस Uh, यूरिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूरिया भी आ जाता है तो ये सारी चीज़ें हाई प्रेशर की वजह से जो यूजफुल चीज़ें वो भी आ जाती है इसमें क्रिटिनिन भी है ठीक है क्रिटिनिन नाइन ओके ये सभी ग्लोबुलर फिल्ट्रेट में आ जाते हैं क्लियर आर एंड डब्ल्यूबीसी बी प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स आट द कोलाइडल पार्ट ऑफ द ब्लड और यह पार्ट फिल्ट्रेट नहीं होती या फिल्टर नहीं हो पाती ठीक है नेक्स्ट पॉइंट द ग्लोबुलर फिल्ट्रेट इज आइसोटॉनिक टू द ब्लड प्लाज्मा यानी यहां पर जो कंसंट्रेशन होता है पीएच होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके ब्लड प्लाज्मा और ग्लोमेरुलस के बीच में तो यहाँ पर जो भी फिल्ट्रेशन होता है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन के बीच में हो रहा है ठीक है ऑल राइट सो द ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट और नेफ्रिक फिल्ट्रेट इक्वल टू ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन इसको इस तरह से लिख सकते हैं फार्मूला के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर देखते हैं ग्लोमिरल फिल्ट्रेट और इसी को हम कहते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट एन एफ शॉर्ट फॉर्म में यहां पर लिख देता हूं नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज इक्वल टू इसमें क्या नहीं आ रहा है सारी चीजें आ रही हैं ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड माइनस ब्रेकेट में आएगा ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल्स माइनस प्लाज्मा प्रोटीन ये फिल्ट्रेट होकर नहीं आते तो बचा क्या ये सारी चीज़ें बची वाटर ग्लूकोज से लेकर किडनी तक ये सभी फिल्टर होकर पहुंच जाते हैं कि इसमें बॉम्बुल्स कैप्सूल के अंदर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हेडिंग है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जी एफ आर कहते हैं वाट इज जी एफ आर जी एफ आर इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर यूनिट इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ द पेयर किडनी ठीक है यानी हर किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का रेट है पर नेफ्रॉन उसी को हम कहते हैं जी एफ आर ठीक है GFR, तो हेडिंग डाल दीजिए जी एफ आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जी एफ आर इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्मड पर मिनट इन ऑल द नेफ्रॉन ऑफ द पेयर्ड किडनी यानी टेन लैख पर किडनी तो देयर इज अ सेक्सुअल डिफरेंसेस लिटिल बिट डिफरेंसेज इन द केस ऑफ मेल्स द रेट इज वन ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट ठीक है इसको देख लीजिए इन द केस ऑफ मेल्स द जी एफ आर इज वन ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट ठीक है इन द केस ऑफ फीमेल इट इज स्लाइटली लिटिल वन टेन एम एल पर मिनट ठीक है फीमेल के केस में स्लाइटली लेस पाया जाता है क्लियर सो द जी एफ आर इज़ इफेक्टेड बाई द वॉल्यूम ऑफ़ सर्कुलेटिंग ब्लड यानी ये डिपेंड करता है कि कितने वॉल्यूम ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है इसी वजह से इफेक्टिवनेस थोड़ी सी यहाँ पर फीमेल में रिड्यूस हो जाती है दूसरी कौन सी चीज़ अफेक्ट कर सकती है दूसरा है न्यूरल एक्टिविटी स्ट्रिट रिस्पॉन्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द आर्टीरियल ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं राइट right? अब इस रेट से अगर हम देखें तो पर डे हाउ मच लीटर इज फिल्टर कैलकुलेट कीजिए इट इज वन एटी लीटर पर डे एक सौ से लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन हर दिन होता है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है बहुत ही इफ़ेक्टिव डेटा है 1.5 लीटर पर डे यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो आप सोच सकते हैं कि 90 परसेंट से ज़्यादा इवन 95 से लेकर 99 परसेंट जो वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है सिर्फ वन लीटर जितना यूरिनेशन होता है जिसमें यूरिया पाई जाती है प्लस वाटर पाया जाता है और सर्टेन अदर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं ठीक है सो यूरिन इज प्रोड्यूस्ड पर डे व्हिच इज 0.8 परसेंट ऑफ द टोटल फिल्ट्रेशन सो इन दिस वे यू डू अंडरस्टैंड कि लगभग 0.8 परसेंट जो टोटल फिल्ट्रेट होता है उसका निकलता है यूरिन राइट right? तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन नेक्स्ट आता है रीनल प्लाज्मा फ्लो नेक्स्ट एडी डाल दीजिए रीनल प्लाज्मा फ्लो रीनल प्लाज्मा फ्लो अबाउट 1100 टू 1200 हंड्रेड जो कि 20% परसेंट होता है कार्डियक आउटपुट और टोटल ब्लड का सो इट इज़ फ्लो अप्रॉक्सीमेटली 1100 हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द किडनी ईच मिनट यानी आप समझ गए होंगे 1200 सौ जितना जो ब्लड है किडनी से हर मिनट फिल्टर होकर निकलता है इसी को हम रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं

सेवेंटी एम ठीक है यह पाया जाता है पर मिनट ठीक है ईच मिनट अप्रॉक्सीमेटली 670 हंड्रेड सेवेंटी से इस बात को दोबारा से समझ लीजिए कि वाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मा फ्लो एंड ब्लड तो ब्लड तो मैंने आपको बता दिया 1100 से 1200 हंड्रेड फ्लो करता है एवरी मिनट लेकिन अगर हम प्लाज्मा का कंट्रीब्यूशन uh, देखें तो ये होता है 670 सेवेंटी एम पर मिनट तो इसको याद रखना कि आर की वैल्यू पर मिनट आती है 670 सेवेंटी एम ठीक है नाउ ओवर इज द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन नेक्स्ट सैडी डाल दीजिए फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू जी एफ आर अपा आर पी एफ जी एफ आर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपाद द आर पी एफ रीनल प्लाज्मा रीनल प्लाज्मा फ्लो इज इक्वल टू आप दोनों वैल्यूज पिट कर दीजिए 125 ट्वेंटी 617 सेवेंटी सो द अल्टीमेट रियलिटी इज जीरो पॉइंट वन एट सिक्स जीरो पॉइंट वन एट सिक्स तो दिस इज़ द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ठीक है